हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट आज डिस्कस करने वाले हैं जिपमर बीएससी नर्सिंग 2022 के बारे में। आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी इस वीडियो में कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस होगा आपका, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊँगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके जिपमर बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड कोई भी नए अपडेट्स आते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जिपमर की। जिपमर की आपकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हम बात कर लेते हैं पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी जो आपके एडमिशन्स हुए थे वो नीट के स्कोर के थ्रू ही हुए थे। तो इस बार भी आपके सेपरेट फॉर्म्स नहीं निकाले जाएंगे, जो आपके नीट के स्कोर है उसको ही यूज़ करके आपके बीएससी नर्सिंग में आपके एडमिशन्स दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि नीट के फॉर्म को फिल करना है। नीट के फॉर्म आ चुके हैं, आपको उसको फिल करना है। सेकंड आपका क्या रहता है कि किस किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपका बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी एलिड हेल्थ साइंस कोर्सेज जो है इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। एलिड हेल्थ साइंस कोर्सेज की आपकी लिस्ट दे रखी है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, कार्डिक लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपके 11 कोर्सेज दिए हैं, इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन मिल सकता है। जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स है। आपकी इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी सीट्स कितनी हैं। तो सीट्स की बात करेंगे बीएससी नर्सिंग में तो टोटल 94 सीट्स हैं आपकी। वहीं आपकी जो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है वो है आपकी 85 सीट्स। वहीं बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 9 सीट है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट नहीं होती है, बट जिपमर में आपकी मेल कैंडिडेट के लिए सीट है, 9 सीट रिजर्व है। बाकी जितनी भी सीट्स हैं 85 वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। वहीं बात करें बीएससी एलिड हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर आपकी दे रखी है टोटल 181 सीट दे रखी है। ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है आपकी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, यानी कि 37 सीट्स हैं। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीट्स का आपका आ गया। वहीं बात कर लेते हैं आपकी कि और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो बीएससी नर्सिंग के जो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें क्या है कि आपको इंडियन नेशनल यानी कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको नीट का जो आपको एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया जाएगा एनटीए के थ्रू 2022 का, उसमें आपको अपीयर होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम। वहीं बात करें आपकी, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है आपकी नीट के फॉर्म में, तो यहाँ पे नहीं इंक्लूड होगी। आपको क्या है, 10th+12th जो है आपको एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने करा होना, यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अपना 10th+12th करा होना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके 10th+12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके जो है सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। वहीं बात करें 12th में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में और इंग्लिश को मिलाकर के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपको 10th+12th का बोला गया है, यानी कि 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में और इंग्लिश को मिलाकर के 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपको जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो ये स्कोर जो है आपको 40% मार्क्स का करा गया है। वहीं बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए तो ये 45% मार्क्स का रखा गया है। ये आपका 10th+12th का है, यानी कि आपको 10th+12th में इतना स्कोर होना चाहिए। वहीं बात करें आपको जो है आपको नीट का आपको फॉर्म फिल करना है, उसको आपको एग्ज़ाम देना है। जब आपका उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं आपके, तो उस मेरिट लिस्ट को यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा जिपमर की वेबसाइट पर जा करके। वहाँ आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हो, यानी कि आपको क्या करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट में अच्छा स्कोर करना है, तभी आप जिपमर में एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट और चीज़ों की, इसमें क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो एडमिशन फ़ीस जो है आपकी एडमिशन के टाइम पे जो ली जाएगी वो आपसे 2500 रुपये ली जाएगी। एकेडमिक फ़ीस जो है आपकी 1200 दी है। जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन की फ़ी है जो आपकी वह पर एनम आपकी 1000 रुपये जाएगी। लर्निंग रिसोर्स फ़ी जो रहेगी आपकी 2000 रुपये है। कॉर्पस फंड और एकेडमिक फ़ी जो है आपकी 60 रुपीज़ है। आइडेंटिटी कार्ड की 150 रुपीज़ जाएगी आपकी। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल की आपकी 1500 पर एनम जाएगी। और जो आपका कॉशन डिपॉजिट होता है, ये रिफंडेबल होता है, ये आपकी 3000 जाएगी। तो टोटल आपको 11410 रुपये का खर्चा यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर का दे रखा है। इतना आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा। वहीं बात करें आप, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस इज मेंशन अबव शैल बी डन ऑन द सेम डे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट, यानी कि आपको जो फीस की सबमिट है आपको, जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपको जिस दिन सीट अलॉट होगी उसी दिन आपको करने होंगे। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर था। अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट हॉस्टल लेने वाले हैं उनके लिए क्या रहने वाला है हॉस्टल का स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं हॉस्टल की हम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्टल को आप चाहते हैं कि एकोमोडेशन हॉस्टल में करें। तो यहाँ पर आपका दे रखा है हॉस्टल का स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं।
एट एडमिशन और अलॉटमेंट आपको जो है हॉस्टल का वो एडमिशन के टाइम पे दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट चार्ज जो है आपके नॉन रिफंडेबल है, पर एनम जाएंगे वो आपके 6,000 रुपये हैं। हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है, ये आपका 5,000 है। हॉस्टल मेस फी डिपॉजिट है आपकी 3,000 है, ये रिफंडेबल है। रूम का जो रेंट जाएगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी आपको इंक्लूड होगा, 500 पर मंथ जाएगा, इसके हिसाब से आपको 6,000 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। अब एस्टैब्लिशमेंट और चार्जेस जो आपके 6,000 दे रखे हैं, तो टोटल आपको जो खर्चा होगा वो 15,000 यहाँ पे आपको दे रखा है। ये आपको हॉस्टल का चार्ज है, ये आपको हर साल का जाने वाला है। तो आपको यहाँ मैंने दोस्तों कंप्लीट बताया कि आपको किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। कोई सेपरेट फॉर्म्स आपके नहीं निकलेंगे, आपको नीट के थ्रू इसमें आपका एडमिशन होगा। तो अच्छे से अपना नीट का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर वहाँ क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपको जिपर की जो एक सीट है अच्छी बीएससी नर्सिंग की वो मिल सकती है। तो प्लीज़ अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कीजिए। अब तक अगर नीट का फॉर्म को फिल नहीं करा है तो नीट के फॉर्म को फिल कर लीजिए। बाकी कोई भी नए अपडेट्स आपके जो आपके आते हैं जिपमर से रिलेटेड, सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बस चैनल पे बने रहो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, उनकी भी हेल्प होगी और आपकी भी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।